6 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय रेलवे सुरक्षा बल शूटिंग प्रतियोगिता एवं अखिल भारतीय रेलवे बल शूटिंग प्रतियोगिता का आज समापन हो गया, जिसमें सदर्न रेलवे ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीतकर चल वेदंती पर अपना कब्जा कर लिया। समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रेलवे सुरक्षा विशेष बल के मुख्य सुरक्षा आयुक्त आलोक कुमार द्वितीय वानी, रेलवे सुरक्षा बल के कमान अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों प्रतियोगिता में शामिल जवान मौजूद रहे। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि ने मार्च पास्ट की सलामी ली और विजयी टीम और खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम स्थान सदर्न रेलवे यानी दक्षिण रेलवे, द्वितीय स्थान यानी रेलवे और तीसरा स्थान उत्तर रेलवे को मिला, जिसमें मुख्य अतिथि द्वारा मेडल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रेलवे सुरक्षा विशेष बल के मुख्य सुरक्षा आयुक्त अनिल कुमार ने अपने संबोधन में विजय टीम को बधाई दी, जबकि हारने टीम के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रेलवे सुरक्षा विशेष बल के मुख्य सुरक्षा आयुक्त अनिल कुमार ने कहा, मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा महोदय का आगमन हो चुका है। सभी टीम मैनेजरों से का आज समापन समारोह सेकेंड बटालियन में अभिनेत्री आलोक कुमार महोदय का आगमन हो चुका है। टीमों के टीम कमांडर का नेतृत्व आईपीएफ वीवी शर्मा के हाथों में इस प्रतियोगिता में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया है। मार्च पास की अनुमति लेने हेतु इसका नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल नंबर 8 पर है SCR, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं वी राजू। नंबर 8 पे है SECR, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं RK सिंह। सभी टीमें इस समय बैंड की मधुर धुन पर कदम से कदम मिलाकर सम्मान देते हुए आगे बढ़ती हुई। नंबर 2 मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए आगे बढ़ती हुई। मुख्य अतिथि को सम्मान देते हुए आगे बढ़ती हुई। नंबर 4 पर NRK की टीम मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए आगे बढ़ती हुई। नंबर 5 टोली मुख्य अतिथि को सम्मान देते हुए आगे बढ़ती हुई। नंबर 6 पर सम्मान देते हुए आगे बढ़ती हुई। अतिथि को सम्मान देते हुए आगे बढ़ती हुई। चौथे पर NR की टीम, नंबर 5 पर NCR की टीम, नंबर 6 पर NWR की टीम, नंबर 7 पर SR की टीम,
समापन समारोह जिसमें हमारे बीच अपना बहुमूल्य समय निकालकर महोदय इस कार्यक्रम में शिरकत लिए, इसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। साथ ही महोदय से अनुरोध करते हैं कि इस प्रतियोगिता में विजेता उपविजेता जो भी प्रतिभागी इसमें भाग लिए हैं उनको सम्मानित करने की कृपा करें। सभी तालियों के साथ 200 यार्ड 200 गेट्स नीलिंग पोजीशन में इन्होंने 81 स्कोर के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कांस्टेबल परवेज 7 स्कोर के साथ थर्ड पोजीशन। ये तीनों विजेता कृपया मंच के पास उपस्थित हो। तीसरे इवेंट के विजेताओं का नाम मैं पुकारूंगा। इधर देखते इधर इधर फर्स्ट विथ 76 स्कोर। दूसरा पोजीशन है संजय कुमार के विजेता है। हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह एनी रेलवे सेकेंड पोजीशन। 18 राइफल इवेंट की 300 मीटर 112 साई अखिलेश कुमार सिंह एनी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इनका स्कोर है 92। और इस प्रकार ये राइफल इवेंट के यार्ड स्क्वाटिंग पोजीशन से कांस्टेबल साहिब सिंह राणा नॉर्दर्न रेलवे रिफ्लेक्स लेफ्ट एंड राइट हैंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन सिंह राणा। कांस्टेबल राजेश यादव एनी रेलवे पोजीशन। कांस्टेबल डी शिवा कुमार सदन थर्ड। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे एस टीम इन इधर कैमरा ऑल ऑफ यू कम लेट हिम कम। एंड बेस्ट टीम इन कार्बाइन रिवॉल्वर की टीम आगे दो और इसमें इंडिविजुअल मेडल्स हैं जो ओवरऑल बेस्ट है। बेस्ट शॉट अवार्ड नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे विथ स्कोर 181। टीम चैंपियनशिप है वो चैंपियनशिप के जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और थर्ड पोजीशन है नॉर्दर्न रेलवे का उनका स्कोर है 929। थैंक यू सर। आराम से हो कोई दिक्कत नहीं। मैं देता हूँ जिन्होंने अवार्ड जीते हैं मेडल जीते हैं और जो नहीं जीते हैं उनको भी बधाई प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। भाग लेना जैसे आप सभी को पता है ज़्यादा जरूरी है बनस्पत मेडल जीतने की। ऑफकोर्स मेडल जीतना प्राइज जीतना अच्छा रहता है बट पार्टिसिपेट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही एनी रेलवे जो सिर्फ एक या दो नंबर से पीछे रह गई उनको विशेष मेरा प्रोत्साहन और मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये लोग सदर्न रेलवे को पीछे पछाड़ेंगे उनसे आगे निकलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जो हमारा शूटिंग का लेवल है वो और अच्छा हो। जो बटालियन सेकंड बटालियन को बनाए जिम्मेदारी दी गई है टीम बनाने की इंटर रेलवे पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए
ये लोग और कोशिश करें और कुछ ऐसा तरीका ढूंढें कि सिर्फ इंटर रेलवे तो होता है, ऑल इंडिया पुलिस में जाएंगे, इंटर रेलवे तो होती नहीं है। ऑल इंडिया पुलिस के अलावा जो नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन है, मतलब जी भी मवलांकर नेशनल शूटिंग कॉम्पिटिशन, ऑल इंडिया शूटिंग कॉम्पिटिशन, या फिर एक चौधरी सरदार सज्जन सिंह शूटिंग कॉम्पिटिशन वगैरह, इस तरह के जो नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन है उसमें भी हमारी टीम भाग ले सके, उस स्तर के खिलाड़ी हम पैदा कर सकें, जिसमें जो यंग लड़के आए हुए हैं कॉन्स्टेबल्स में या सब इंस्पेक्टर्स में या फिर अभी बहाली के बाद आएंगे, उसमें से ऐसे टैलेंट हमें ढूंढना है जो कि आगे चल के फोर्स में का नाम करें और अपने फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकें और नेशनल लेवल पे कुछ हासिल कर सकें। तो इस दिशा में हमें काम करना होगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बटालियन के सारे मेंबर्स, कमान अधिकारी लगे सारे अधिकारीगण, प्रिंसिपल ट्रेनिंग सेंटर, सबको बधाई सफल आयोजन के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए अच्छी गेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग जो टीमें हैं, जो प्रतिभागी हैं, अपनी तैयारी फिर नेक्स्ट कॉम्पिटिशन के लिए अभी से शुरू रखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम सभी लोग जो इस बार परफॉर्म किया उससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसके साथ ही मैं अपना संबोधन खत्म करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। I deliver this flag to you for safe custody until such time as it is again flown at the next RPF inter-zonal competition. This duty I mainly undertake to perform. रेलवे सुरक्षा बल में 16 जोन है और एक हमारा विशेष सुरक्षा बल है, तो इन 16 और प्लस एक मिलाकर टोटल 17 यूनिट हैं जो कि पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट 17 में 12 यूनिट ने पार्टिसिपेट किया, 5 क्षेत्रीय रेल की टीम नहीं आ पाई थी किन्हीं कारणों से। तो 12 लोगों का अभी आप लोगों ने मार्च पास्ट भी देखा, जिसमें कि प्रथम स्थान सदर्न रेलवे दक्षिण रेलवे है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान आपकी क्षेत्रीय रेल पूर्वोत्तर रेल, एनी रेलवे जिसको कहते हैं, उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया और तीसरा स्थान नॉर्दर्न रेलवे को, उत्तर रेलवे को मिला है। और यह प्रतियोगिता, और कहने के तो प्रतियोगिता है, बट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जवानों में एक उनको एक मकसद देता है कि ये अपनी शूटिंग की स्किल को और अच्छा कर सकें, जो कि इनके ड्यूटी में भी काम आएगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हम लोग यूनिफॉर्म फोर्स हैं और उसमें शूटिंग, राइफल की प्रैक्टिस, रिवॉल्वर की प्रैक्टिस, कार्बाइन की प्रैक्टिस का अहम रोल है ड्यूटी के दौरान, दुश्मनों से मुकाबला, बदमाशों से मुकाबला। तो उसमें इस तरह की प्रतियोगिता होने से, कंपटीशन होने से उन लोगों में, जो जवानों हैं उनमें ये रहता है कि हम भी अच्छा कर सकें, हम भी पार्टिसिपेट कर सकें, तो इनको ड्यूटी में भी सहायता करती है, प्लस जो प्रतियोगिता का एक भाव होता है वो भी बढ़ाने में इनके सहायता प्रदान करती है। सर, विजेता टीम को जो जीत नहीं पाए उनके लिए क्या? जो जीत नहीं पाए उनको मैंने अभी मेरा भाषण आपने सुना होगा, मैंने टारगेट दिया है जो दूसरी विजेता टीम है एनी रेलवे, जो आपकी टीम कहने को कह सकते हैं, आपके एरिया की लोकल टीम है, उनको मैंने एक टारगेट दिया कि अगले साल ये जो विजेता टीम है दक्षिण रेलवे उनको हराएं। तो जो हारी टीम है, हारना क्या है, हार जीत तो चलती रहती है, वह मैंने बताया जो भाषण में कि जीतना हारना उतना महत्वपूर्ण नहीं, भाग लेना अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये जो टीमें भाग ले रही हैं, हर क्षेत्रीय रेल की 4,000-5,000 की स्ट्रेंथ होती है, उसमें से ये 5-10 लड़के चुन के आए हैं, अपने रेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो भाग लेना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जीतना ठीक है, वो आपको एक ये देता है, एक ताकत देती है कि हमने प्रतियोगिता जीती, बट जीतना हारना चलता रहता है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, भाग लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो जीता, वो जो नहीं जीत पाए उनके लिए एक कारण, एक मकसद का एक स्रोत होता है, ताकि वो नेक्स्ट प्रतियोगिता में जीतने की कोशिश करें।